स्वागत है आप सभी का। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री में किन किन टॉपिक को डिलीट कर दिया गया है। ये आप लोगों को पता है कि जो करंट सिचुएशन चल रहा है, इसमें सीबीएसई ने एनुअल एग्जामिनेशन के लिए यानी कि 2021 2021 में जो एनुअल एग्जामिनेशन होगा क्लास ट्वेल्थ का, उसमें से कुछ चीज़ों को डिलीट कर दिया है केमिस्ट्री में। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि ये केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक है जिसको डिलीट किया है और किस किस टॉपिक को आप लोगों को पढ़ना है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखते हैं, देखिए सबसे पहला जो चैप्टर आपका है सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट में क्या किया है, जो इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, बॉन्ड थ्योरी ऑफ मेटल्स, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स एंड एन एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, इसको डिलीट कर दिया गया। देखिए हम लोग ये देख रहे हैं कि डिलीट किसको किया गया है। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट चैप्टर से इन चीज़ों को हटा दिया गया है, यानी कि ये जो बोर्ड के एग्जाम्स होंगे आपके, सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई के, ऐसा नहीं किसी और बोर्ड से, वहाँ पर ये चीज़ें नहीं पूछी जाएगी। तो फर्स्ट चैप्टर। सेकंड चैप्टर जो आपका है सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन में क्या क्या है, जो एबनॉर्मल मोलिकुलर मास है और वंट हाफ फैक्टर है, इन दो चीज़ों को हटा दिया गया है, यानी कि ये चीज़ें आप लोगों को अब नहीं पढ़ना है। ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको लीड अकुमुलेटर, फ्यूल सेल्स, कोरिजन, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, जो इसका एलिमेंट्री आइडिया, और ड्राई सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स एंड गैल्वेनी सेल, ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों को रिमूव कर दिया गया है, हटा दिया गया है, यानी कि क्लास ट्वेल्थ में ये चीज़ नहीं पूछे जाएंगे। तो देखिए अगर आप लोग तैयारी करते हैं तो ये चीज़ें तो पता होना चाहिए कि क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, अगर आप चैप्टर नंबर 4 की बात करें केमिकल काइनेटिक्स की, तो यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ कोलिजन थ्योरी यानी एलिमेंट्री आइडिया, नो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, ठीक है, इन चीज़ों को आप लोगों को हटा दिया गया है, जो आप कोलिजन थ्योरी का कंसेप्ट है, और एक्टिवेशन एनर्जी और अरहेनियस इक्वेशन, इन चीज़ों को हटा दिया गया है चैप्टर नंबर 4 से। आगे बढ़ते हैं हम लोग और एक एक करके देखते हैं। जैसे चैप्टर नंबर 5 है, तो ये यहाँ पर जो सरफेस केमिस्ट्री है, इसमें आपका इमल्सन, टाइप ऑफ इमल्सन, कैटेलिसिस, जो होमोजीनियस एंड हेटरोजीनियस, एक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट, ये एंजाइम कैटलिस्ट, इन चीज़ों को हटा दिया है, यानी कि अब ये चीज़ें आप लोगों को नहीं पढ़नी है, सिर्फ और सिर्फ क्लास ट्वेल्थ के बोर्ड्स एग्जाम के लिए। ठीक है, आने वाले एग्जाम्स के लिए, यानी कि जो 2021 में आएंगे। अब अगर आप कहेंगे कि जनरल प्रिंसिपल ऑफ एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, इसका इंटायर यूनिट, पूरे के पूरे चैप्टर को हटा दिया गया, खुश हो जाइए यहाँ पर आप लोग। ठीक है, ये चैप्टर आप लोगों को नहीं पढ़ना है। आगे अगर बात करेंगे आप लोग, अगर पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करेंगे, ये चैप्टर है 7th नंबर चैप्टर, इसमें आपका जो है प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फीन, सल्फ्यूरिक एसिड, इंडस्ट्रियल प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, सिर्फ स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। उसके बाद है आपका फॉस्फोरस एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, कंपाउंड ऑफ फॉस्फोरस, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हैलाइड्स एंड ऑक्सो एसिड, इन सभी चीज़ों को हटा दिया। तो आप बोल सकते हैं देखिए पी ब्लॉक एलिमेंट में काफ़ी चीज़ें आप लोगों को रिमूव मिलेगा, मतलब यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो अगर आप रिवीजन करते हैं ना लास्ट टाइम में, तो आप ध्यान देंगे जब आप एनुअल एग्जामिनेशन के रिवीजन के लिए जा रहे हैं, तो इन चीज़ों को आप स्किप कर दीजिए। आगे अगर हम करेंगे चैप्टर नंबर 8 में, तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट है आपका, इसमें आपका देख लीजिए केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ आपका ये दे रखा है, लेंथोनाइड्स है, फिर आपका यहाँ पर देखें एक्टिनॉइड्स है, फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसका, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट है एंड कंपेरिजन विथ लेंथोनाइड्स, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4 एंड K2Cr2O7, ये चीज़ों को आप लोगों को हटा दिया है डी और एफ ब्लॉक में, तो ये चीज़ आप लोगों को नहीं पढ़नी। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करेंगे, तो यहाँ पर जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, फिर इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये भी हटा दिया गया है। और यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट ऑफ ये इंपॉर्टेंस की अगर बात करेंगे, तो इसमें इन क्वालिटेटिव एनालिसिस, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एंड बायोलॉजिकल सिस्टम, तो ये चीज़ें आप लोगों को रिमूव कर दिया गया है इस बार के लिए। आगे अगर बात करेंगे आप चैप्टर नंबर 10 में, तो ये आपका है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एडेंस, ये जो चैप्टर है इसमें आपका देख लीजिए यूजेज ऑफ एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, फिर आप डाइक्लोरोमीथेन, फिर आपका टेट्राक्लोरोमीथेन, आयोडोफॉर्म, फेरॉन एंड डीडीटी, ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों का यूज और एनवायरमेंटल इफेक्ट, इन किन चीज़ों का नहीं पढ़ना है, यानी इसको आप रिवीजन नहीं करेंगे, इसको नहीं करेंगे, इसको आप छोड़ देंगे, इसको छोड़ेंगे, और ये सब चीज़ें आप छोड़ के चलेंगे जब आप रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 10 में था। आगे अगर आप लोग बढ़ेंगे तो चैप्टर नंबर 11 मिलेगा, यानी कि अल्कोहल्स, इसमें क्या क्या है, जो फिनॉल्स है और इथर का यूज है, ठीक है, और जो स्पेशल फीचर है मेथनॉल का और इथेनॉल का, इसको आपको डिलीट कर दिया गया है, तो ये चीज़ें आप लोगों को नहीं पढ़नी है। ठीक है, अल्कोहल्स में अब चैप्टर नंबर 12 यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 12 में कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। ये जो आपका सिलेबस है एज पर अकॉर्डिंग टू द NCERT की बुक के अनुसार ये लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप लोग ध्यान देंगे। 13 चैप्टर जो है आपका एमिन्स
डायाजोनियम ये चैप्टर है, इसमें आपको सॉल्ट का जो प्रिपरेशन है, केमिकल रिएक्शन से इंपॉर्टेंस इन सिंथेटिक ऑर्गेनिक ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन चीज़ों को डिलीट कर दिया गया, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगर बायोमोलिक्यूल्स की बात करेंगे, चैप्टर नंबर 14 है, तो आपका है ओलिगोसेक्राइड्स, ठीक है, जो आपका ओलिगोसेक्राइड्स है जिसमें सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, फिर आपका पॉलीसेक्राइड्स है, स्टार्च, सेलुलोज, आपका ये पर ग्लाइकोजन, इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है यहाँ पर, फिर विटामिन है, क्लासिफिकेशन एंड फंक्शंस एंजाइम्स का, फिर आपका है हार्मोन्स, ठीक है, एलिमेंट्री आइडिया एक्सक्लूडिंग स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर को छोड़कर। तो ये चीज़ें आप लोगों को नहीं पढ़ना है क्लास ट्वेल्थ के लिए। अगर आप पॉलीमर करेंगे बोलेंगे तो पॉलीमर सारे चैप्टर को डिलीट कर दिया गया है। फिर आपका है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ इंटायर चैप्टर, ये आपका एवरीडे लाइफ का जो है ना एक चैप्टर दे रखा है, केमिस्ट्री ऑफ एवरीडे लाइफ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ, ठीक है, इसको इंटायर पूरे के पूरे चैप्टर को डिलीट कर दिया गया। तो ये आपका था कंप्लीट एनालिसिस केमिस्ट्री में किन किन चीज़ों को पढ़ना है और किन किन चीज़ों को डिलीट कर दिया गया, तो क्या क्या चीज़ पढ़ना है ये आप लोग के पास ऑलरेडी सिलेबस है, और क्या चीज़ नहीं पढ़ना है ये हम आपको बता दिए यहाँ पर, ठीक है। एक और जो इंपॉर्टेंट बात है, ये सिर्फ और सिर्फ एनुअल एग्जामिनेशन 2021 के लिए CBSE बोर्ड ने ऐसा अब तक नोटिफिकेशन निकाला है, तो अगर आप कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करना है तो पढ़ना सारे चीज़ों को है, बट आप एग्जाम देने के लिए अगर जाएंगे तो सिर्फ इन चीज़ों को आप लोग रिवाइज नहीं कर सकते हैं, तो आपका काम चल जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, आगे किस चीज़ का आपको लेक्चर चाहिए यहाँ पर मैथमेटिक्स का लेकर आओ या किस सब्जेक्ट का, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हाँ अगर अच्छा लगता है इन्फॉर्मेशन तो आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।